हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। 22 अप्रैल 2018 की प्रीलिम्स अपडेटर सीरीज में आपका स्वागत है। यहाँ पे हम द हिंदू और पीआईबी के इंपॉर्टेंट न्यूज हैं वो डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलिए हमारी डिस्कशन है वो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो आर्टिकल आया है वह है डेथ पेनल्टी के बारे में और पोस्को एक्ट के बारे में। तो हम देख लेते हैं कंटेक्स्ट क्या है। कंटेक्स्ट कुछ इस प्रकार है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऑर्डिनेंस है वो पास करवा लिया है, किसको लेके, डेथ पेनल्टी को लेके। अब सारा सीन है वो एक बार हम देख लेते हैं कि जो हमारे लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट काम का होता है। देखो, अभी रेप केस चल रहे थे काफ़ी ज़्यादा, तो उसके वजह से काफ़ी ज़्यादा प्रोटेस्ट वगैरह भी चल रहे थे। तो अभी सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो भी रेप के विक्टिम है, जो भी रेप के सॉरी आरोपी हैं, उनको डेथ पेनल्टी देने के लिए भी ऑर्डिनेंस है वो पास करवाया, मतलब राष्ट्रपति ने अनुमति है वो दे दी है कल। तो उसके बारे में आर्टिकल वो यहाँ पे आया है। तो देखो, सबसे पहले कंटेक्स्ट स्टार्ट ऐसे होता है कि जो वुमेन एंड चाइल्ड मिनिस्ट्री है उसने एक्चुअली लॉ मिनिस्ट्री को भेजा कि भाई हमें डेथ पेनल्टी वगैरह का जो अप्रूवल वगैरह वो आप करवाइए। तो इसके बाद लॉ मिनिस्ट्री ने अप्रूवल दे दिया और सेंट्रल गवर्नमेंट के पास चला गया और कैबिनेट ने भी अप्रूवल दे दिया। इसके बाद प्रेसिडेंट ने इसको ऑर्डिनेंस के फॉर्म में पास है वो कर दिया। तो ये तो थी प्रोसीजर। अब देखो, एक दो पॉइंट्स थोड़े हम यहाँ पे देखते हैं। एक तो हम जानते हैं पोस्को एक्ट के बारे में। पोस्को एक्ट है क्या? प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस। ये देखो 2012 में एक्ट है, गवर्नमेंट ने बनाया था। इसका मेन प्रावधान ये था कि जो भी हमारे देश में चाइल्ड है 0 से 18 साल, ये चीज हमें ध्यान रखनी है। यहाँ पे चाइल्ड की डेफिनेशन क्या होती है, 0 से 18, मतलब नाबालिग जो कंडीशन होती है 18 साल तक, उसको यहाँ पे काउंट आउट किया गया है। तो 0 से 18 साल तक की उम्र के जो भी बच्चे हैं उनके साथ अगर कोई भी सेक्सुअल हरासमेंट का केस होता है, चाहे बात मतलब बातचीत के थ्रू या फिर उनके साथ कोई भी चाइल्ड पोर्नोग्राफी या कुछ भी ऐसे केसेज होते हैं जिनके साथ हरासमेंट हो रहा है सेक्सुअली, तो उस कंडीशन में पोस्को एक्ट है वहाँ पे काम करता है। तो ये चीज हमें थोड़ी यहाँ पे ध्यान रखनी है। तो अभी जो डेथ पेनल्टी का प्रावधान ये किया गया है कि भाई अगर 12 साल से कम उम्र के बच्चे का अगर रेप किया जाता है तो उसमें डेथ पेनल्टी है, वो मृत्युदंड वगैरह भी हो सकता है। तो एक दो थोड़े प्रावधान से वो हम थोड़े यहाँ पे एक बार देख लेते हैं कि क्या क्या गवर्नमेंट ने प्रावधान वगैरह किए हैं। देखो, सारे तो हमें याद रखने की जरूरत नहीं है, बट एक बार हम थोड़े हाईलाइट्स हैं वो देख लेते हैं। एक तो इसमें यह प्रावधान किया गया कि अगर 12 साल से कम उम्र की बच्ची का रेप किया जाता है तो उस कंडीशन में 20 साल की सजा या फिर मृत्युदंड वगैरह भी हो सकता है, मतलब आजीवन कारावास या मृत्युदंड वगैरह। इसके साथ ही अगर गैंग रेप किया जाता है 12 साल से कम उम्र की में, तो उस कंडीशन में मृत्युदंड है उसका प्रावधान करने की बात है। इसके साथ ही एक प्रावधान ये किया गया है कि 16 साल से कम उम्र की बच्ची का अगर रेप किया जाता है तो उस कंडीशन में 10 से 20 साल की सजा या फिर इसके अलावा मृत्युदंड वगैरह आजीवन कारावास के प्रावधान किया गया है। अगर 16 साल की उम्र की बच्चे के साथ गैंग रेप होता है तो उस कंडीशन में आजीवन कारावास की बात है वो यहाँ पे की गई है। अगर किसी वुमेन के साथ रेप वगैरह किया जाता है तो उस कंडीशन में 7 साल या 10 साल की सजा के कुछ प्रावधान वगैरह किया गया है। तो देखो, ये सारे प्रावधान हमें याद नहीं रखने, बट यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये आता है कि कुछ स्टेट ऐसे हैं जिन्होंने पहले ही ऐसा ऑर्डिनेंस है वो पास, पहले ही मतलब ऐसा कानून है वो बना रखा है, तो वो हम एक बार यहाँ पे देख लेते हैं। जैसे कि सबसे पहले बनाया था मध्य प्रदेश ने, कि मध्य प्रदेश ने ऑलरेडी कानून बना लिया था कि 12 साल से कम उम्र की बच्ची का अगर रेप होता है तो उस कंडीशन में जो भी आरोपी है उसको 2 डेथ पेनल्टी है वो दी जा सकती है। इसके बाद में सेकेंड नंबर पर बनाया था राजस्थान ने, अब शायद हरियाणा ने भी बना लिया है। तो वो सारे तो देखो हमें रखने की जरूरत नहीं है, बट हमें थोड़ा पता होना चाहिए कि सबसे पहले किसने बनाया था, क्योंकि ये यूपीएससी मेनली पूछ सकती है। तो अभी देखो, पोस्को एक्ट में भी चेंज हो किया जाएगा, इसके साथ ही आईपीसी है उसमें चेंजेस किए जाएंगे, इसके साथ कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर है इसमें भी चेंजेस वगैरह करने की बात है। तो ये सारा कॉन्टेक्स्ट था जो हमने यहां पे डिस्कस कर लिया है। चलो, आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि ऑर्डिनेंस कब पास करवाना, ऑर्डिनेंस कब पारित करना होता है, जब कोई एक सेशन चल रहा होता है या फिर दोनों सेशन नहीं चल रहे होते हैं या फिर दोनों ही सेशन चल रहे होते हैं, कौन सी कंडीशन में ऑर्डिनेंस है वो पास करवाया जा सकते हैं, तो इसके बारे में आप कमेंट बॉक्स में वो बताइए। नेक्स्ट जो आर्टिकल आया हुआ है हेपेटाइटिस बी के बारे में। कंटेक्स्ट ये है कि अभी WHO ने कहा है कि भाई इंडिया में 4th मेजर हेल्थ प्रॉब्लम बनती जा रही है हेपेटाइटिस बी का जो वायरस है वो, ये सारा कंटेक्स्ट है। तो देखो, सबसे 3 मेजर डिजीज कौन सी हैं, एक तो है HIV/AIDS सबसे पहले पे, इसके बाद में सेकेंड नंबर पे आता हुआ है मलेरिया और थर्ड नंबर पे आता है ट्यूबरक्लोसिस यानी TB। तो ये हमें ध्यान रखना है कि 3 मेन डिजीज है इंडिया की, 4th नंबर पे अभी हेपेटाइटिस बी है वो आ रहा है। नाम से ही पता चल रहा है कि ऑब्वियसली वायरस जनित रोग है, वायरस का नाम क्या है, वह हेपेटाइटिस बी। तो नाम में तो आप कंफ्यूज नहीं हो पाओगे, बस थोड़ा ये ध्यान रखना कि वायरस जनित रोग है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे आती है कि ये किसको इफेक्ट करता है, ये एक इंपॉर्टेंट चीज आती है। देखो, हेपेटाइटिस जो बी वायरस है ना वो लीवर को इफेक्ट करता है, और आपको पता है कि हमारी बॉडी में लीवर वो काफी अहम पार्ट होता है, खाना वगैरह जो भी डाइजेस्ट होता है और उसके बाद उसका सारी जो उसे मतलब जो ब्लड वगैरह बनाया जाता है, फिर बाकी सारे काम है वो लीवर के द्वारा ही किए जाते हैं, क्योंकि जो हमारे शरीर में एनर्जी प्रोड्यूस की जाती है वो लीवर के ही थ्रू की जाती है। तो हमारी बॉडी का अहम पार्ट होता है लीवर, और ये लीवर को इफेक्ट करता है। तो इसकी वजह से खाना वगैरह डाइजेस्ट नहीं होता है, काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स होना शुरू हो जाती हैं, जैसे कि यूरिन वगैरह में प्रॉब्लम या फिर कलर डार्क होना, ऐसे कुछ इश्यूज हैं वो सामने आते हैं। तो ये थोड़े हमें ध्यान रखना है कि हेपेटाइटिस बी है वो लीवर को इफेक्ट करता है, ये चीज़ भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट होती है। और एक चीज़ ये ध्यान रखनी है कि इंडिया का जो यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन जो प्रोग्राम चलाया गया है, इसमें भी हेपेटाइटिस बी वायरस को इंक्लूड है वो किया गया है।
तो ये चीज़ थोड़ी हमें यहाँ पे ध्यान रखनी है। और ऑलरेडी WHO ने बात की थी कि भाई देखो इंडिया को 2030 का टारगेट दिया गया है कि आपको 2030 तक हेपेटाइटिस बी से फ्री होना है, बट अभी जो डाटा हैं हमारे सामने उनको देख के लग रहा है कि इंडिया 2060 तक भी फ्री है वो नहीं हो पाएगा, क्योंकि अभी भी काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स और चैलेंजेस सामने हैं। सोशल इश्यूज भी बढ़ते जा रहे हैं, इसके साथ जो इकोनॉमिक बर्डन है हमारी इकोनॉमी पे वो भी बढ़ता जा रहा है डिजीज की वजह से। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो है आई स्टेम के बारे में, इंडियन साइंस टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग फैसिलिटी मैप के बारे में। कंटेक्स्ट क्या है वो भी हम देखते हैं। सबसे पहले कंटेक्स्ट ये है कि देखो हमारे देश में गवर्नमेंट है वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए काफ़ी सारे प्रोग्राम तो चला रही है, बट जितना आउटपुट आना चाहिए वो नहीं आ रहा है। खैर वो भी एक अलग बात है कि जितना बजट भी दिए जितना फंड चाहिए उतना फंड भी गवर्नमेंट नहीं प्रोवाइड कर रही है। पर देखा जाए तो कुछ टाइम से गवर्नमेंट वो बजट बढ़ाने की कोशिश तो कर रही है, बट फिर भी जितना रिजल्ट अभी आना चाहिए जितना रिसोर्सेज हैं उनका प्रॉपर ढंग से यूटिलाइजेशन वो नहीं हो रहा है। तो इसीलिए हमारे देश के जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस है जो कि बेंगलोर में रहते हैं उसके द्वारा एक पोर्टल है वो बनाया गया है IISc के द्वारा। तो उस पोर्टल में क्या खासियत है वो देखते हैं। देखो हमारे देश में गवर्नमेंट ने ऐसे जगह जगह पे लैब वगैरह तो बना दिए हैं, बट कई बार क्या होता है कि जो भी रिसर्चर्स होते हैं उनको पता नहीं होता है कि भाई यहाँ पे कौन सी लैब वगैरह है, हमें रिसर्च करनी है तो कहाँ जाना है, कौन सी इक्विपमेंट हमें कौन सी लैब वगैरह में मिलेंगे। तो ये काफ़ी सारी दिक्कत होती है। जैसे कि आप एग्जाम्पल यहीं पर ले लो कि दिल्ली में कोई भी इंसान है कोई भी स्टूडेंट है वो रिसर्च करना चाहता है, जैसे कि ये मान लो कि किसी भी टॉपिक के ऊपर, ये जैसे कि कोई भी मतलब इंजीनियरिंग का कोई टॉपिक हो सकता है या फिर हो सकता है कोई केमिस्ट्री किसी टॉपिक पे रिसर्च करना चाह रहा है। अब भाई उसे पता ही नहीं है कि भाई जो इक्विपमेंट वगैरह वो कहाँ पे मिलेंगे, या फिर हमारे देश के जो गवर्नमेंट ने महंगे इक्विपमेंट है वो कौन से इंस्टीट्यूट वगैरह को दे रखे हैं ताकि हम वहाँ पर रिसर्च कर सकें। तो इसलिए आपस में कोलेब्रेशन करने के लिए कि भाई इस इंस्टीट्यूट के पास ये उपकरण है तो हम यहाँ पर जाकर रिसर्च वगैरह कर सकते हैं, इसलिए पोर्टल बनाया गया है ताकि रिसर्च एंड डेवलपमेंट को स्मूथ बनाया जा सके और जो गवर्नमेंट ने खर्चा किया है ना अभी तक उस खर्चे को भी प्रॉपर ढंग से यूटिलाइज है वो किया जाए। मतलब हमारे पास जितने रिसोर्सेज हैं उनको तो हम प्रॉपर एफिशिएंसी ढंग से यूज है वो करें, क्योंकि देखो अभी गवर्नमेंट ने जितने रिसोर्स हमें दे रखे हैं अगर उनका भी हम ढंग से उपयोग कर लें तो ही बहुत है। तो पहले तो हमारे पास जितने उपकरण हैं उनका हमें प्रॉपर ढंग से यूटिलाइज है वो करना है, इसके बाद में हमें नए उपकरण की या नए इंस्ट्रूमेंट हैं उनकी हमें डिमांड है वो करनी है। तो इसके फायदा ये होगा कि हमारे देश को डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स हैं उनके बीच में सहयोग होगा और जो भी उपकरण है उनका प्रॉपर यूटिलाइजेशन है वो बढ़ जाएगा। क्योंकि ये जो ऑनलाइन पोर्टल बनाया गया है IISc के द्वारा आई स्टेम के नाम से, इस पोर्टल पे सारी जानकारी दी गई है, जैसे किसी भी इंसान को भी रिसर्च करनी है किसी भी इंस्टीट्यूट को तो वो इस पोर्टल के थ्रू जाके इन्फॉर्मेशन ले सकता है कि अच्छा भाई यहाँ पे उपकरण वगैरह मिलेंगे, फिर वहाँ से कॉन्टैक्ट वगैरह कर सकते हैं तो फिर पता चल जाएगा कि वहाँ पे बेंच वगैरह खाली है या नहीं है या कब वो वहाँ पे रिसर्च वगैरह कर सकते हैं ताकि कोई दिक्कत वगैरह हो। तो ये काफ़ी अच्छा फायदा होगा और इससे इंडिया की रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेक्टर वो और आगे बढ़ेगा। तो ये इसको लेकर न्यूज़ थी, ये बॉडी काफी इंपॉर्टेंट है, थोड़ा इसके बारे में हमें ध्यान रखना है। सॉरी, चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो है ई विधान प्रोजेक्ट के बारे में। कंटेक्स्ट ये है कि अभी ई विधान प्रोजेक्ट को लेके इंप्लीमेंट करने की बात है वो की जा रही है वापस से, तो इसके बारे में थोड़ा देखते हैं। तो देखो ई विधान प्रोजेक्ट है क्या, सबसे पहली बात तो ये कि एक मिशन मोड प्रोजेक्ट है जो कि हमारे देश में डिजिटलाइज जो प्रक्रिया है उसको इम्प्रूव करने के लिए है। मतलब आपको पता है कि गवर्नमेंट ने डिजिटल इंडिया अभियान चलाया था उसके तहत ही ई विधान प्रोजेक्ट है वो चलाया गया है। इसमें ये काम होगा कि जितनी भी प्रक्रिया होती है विधानसभा की उसको डिजिटल किया जाएगा, इसके साथ ही इसको काम हो सारा पेपरलेस किया जाएगा। तो इससे फायदा क्या होगा, इससे एक तो फायदा होगा कि इन्वायरमेंट है वो क्लीन होगा और पेपर का वेस्ट जो यूज़ होता है वेस्टेज मात्रा में उसको भी कंट्रोल हो किया जाएगा। तो मतलब इको फ्रेंडली काम करने के लिए और डिजिटल काम को बढ़ावा देने के लिए ई विधान प्रोजेक्ट है वो स्टार्ट किया गया है। मिनिस्ट्री कौन सी है वो इंपॉर्टेंट है, मिनिस्ट्री इंपॉर्टेंट कौन सी है, वो है पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्ट्री है, वो इसकी नोडल मिनिस्ट्री है। तो उसके द्वारा इंप्लीमेंट है वो किया जा रहा है। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है कि सबसे पहले किसने इसको इंप्लीमेंट किया है। देखो हिमाचल प्रदेश ने इसको इस प्रोजेक्ट को 2014 में इंप्लीमेंट हो कर दिया था। तो यहाँ पे हमें कंफ्यूज नहीं होना है कि भाई कौन से स्टेट ने ई विधान प्रोजेक्ट को कंप्लीट हो किया था। मतलब ई विधान का मतलब विधानसभा के जो भी प्रोसीजर हैं वो ऑनलाइन या डिजिटल होंगे, वहाँ पे पेपर का काम कुछ भी नहीं होगा, सारा काम डिजिटल किया जाएगा ताकि पेपर का यूज हो कम, मतलब पेपर का यूज ना हो, इसके साथ ही क्लीन इन्वायरमेंट को भी प्रोटेक्ट हो किया जा सके। और जो पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्ट्री है उसके द्वारा इसको इम्प्लीमेंट है वो किया गया, नोडल एजेंसी है वो, ये चीज भी हमें यहाँ पे ध्यान रखनी है। नेक्स्ट जो आर्टिकल आया है वो है स्टेट ऑफ ग्लोबल एयर रिपोर्ट के बारे में। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे यही बनता है कि ग्लोबल एयर रिपोर्ट वो जारी कौन करता है, तो यह HEI जो एक इंस्टीट्यूट है, कौन सा, हेल्थ इफेक्ट इंस्टीट्यूट है, उसके द्वारा यह जारी की जाती है। इसमें यह बात सामने आई है कि भाई 95% जो हमारे जो ऑल ओवर की जो पॉपुलेशन है ना वो अनहेल्दी एयर में जी रही है। मतलब मैक्सिमम लोग हैं उनको पर्याप्त जो एयर चाहिए जितनी जिसमें पोल्यूशन ना हो वो एयर मिल रही
सीधी सी बात है कि उन लोगों को काफी पोल्यूटेड एयर में रहना पड़ रहा है। ये बात इंडिया की नहीं है, ऑल ओवर वर्ल्ड का डाटा इसके सामने यहाँ पे आया है। और इसमें ये रिपोर्ट में कहा गया कि भाई इंडिया में जो एयर पोल्यूशन की वजह से जो डेथ हो रही है वो सबसे ज्यादा हो रही है, और चाइना भी कम नहीं है, मतलब चाइना भी साथ साथ ही इंडिया की तरक्की इस मामले में कर रहा है। अब यहाँ पे देखो बात ऐसी है कि एयर पोल्यूशन है वो पूरे वर्ल्ड में फोर्थ नंबर पे सबसे बड़ा रीजन है जिसकी वजह से लोगों की जानें हैं वो जा रही हैं। इसके अलावा डायबिटीज़ भी हैं और भी काफ़ी सारी बीमारियां हैं, कैंसर वगैरह, तो वो भी हमें थोड़ा यहाँ पे पता होना चाहिए कि एयर पोल्यूशन सबसे बड़ा रीजन है वो बनते हुए जा रहा है। और इंडिया नंबर वन पे एयर पोल्यूशन की वजह से डेथ होती है उसमें, और चाइना भी लगातार इसकी तरफ इंडिया की तरफ ही अग्रसर है, होता जा रहा है। नेक्स्ट जो आर्टिकल आया है वह है NCMEI के बारे में, नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूट के बारे में। तो है क्या इसके बारे में हम जानने की पूरी पूरी कोशिश करते हैं। देखो इस इंस्टीट्यूट को, इस बॉडी को जानने से पहले हम एक बार एक चीज़ देख लेते हैं, वो देखते हैं आर्टिकल 30 के बारे में, ताकि हमें और भी अच्छे समझ में। आर्टिकल 30 ये प्रावधान करता है कि हमारे देश में जो भी माइनॉरिटीज़ है ना वो अपने इंस्टीट्यूट वगैरह खोल सकती हैं, उनको एडमिनिस्ट्रेट वगैरह कर सकती हैं, और अपने अकॉर्डिंग अपने जो भी कल्चर वगैरह हैं उसको आगे सहेज के आगे संभाल के रख सकती हैं इंस्टीट्यूट वगैरह की हेल्प से। बट अगर आप ध्यान रखना कि कई बार कुछ ऐसा कोई गवर्नमेंट एक्ट ना दे या फिर कोई भी ऐसा काम किया जा रहा है कि उस कंडीशन में जो माइनॉरिटीज लोग हैं उनको ऐसा लग रहा है कि भाई आर्टिकल 30 का वॉयलेशन हो रहा है, तो उस कंडीशन में वो जाते हैं नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूट के पास। क्योंकि देखो उनको ये अधिकार है कि वो कोई भी इंस्टीट्यूट वगैरह खोल सकते हैं, तो अगर कोई भी इंस्टीट्यूट वगैरह खोलने में या फिर उनको आगे चलाने में कोई दिक्कत आ रही है तो वो जाते हैं NCMEI के पास। तो अब देख लेते हैं NCMEI है क्या। यह एक स्टेचुरी बॉडी है जो कि 2004 में बनाई गई थी। इसके बाद में एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि एक क्यूसी जुडिशियरी बॉडी है। क्यूसी जुडिशियरी का बॉडी का मतलब ये होता है कि इसके पास सिविल कोर्ट की तरह पावर तो होती है, बट ये ऐसा नहीं है कि सिविल कोर्ट की तरह किसी को सजा वगैरह दे सकती है, किसी का समन वगैरह ही कर सकती है, बस यही इसके पास पावर वो वेली होती है। तो ये चीज हमें यहाँ पे ध्यान रखनी है। अब इंपॉर्टेंट बात चेयरमैन की बात में, तो इसके चेयरमैन कौन होते हैं, वो होते हैं हाईकोर्ट के जज होते हैं वो रिटायर्ड, या फिर इसके अलावा इसमें तीन मेंबर भी होते हैं, और वो कौन कौन होते हैं जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट उनको अपॉइंट करती है। तो चेयरमैन इंपॉर्टेंट होते हैं कि भाई हाईकोर्ट के जज हैं वो इसके नॉर्मली चेयरमैन है वो होते हैं। काम क्या है, काम जैसा भी हमने डिस्कस किया था कि माइनॉरिटीज जो जो भी इंस्टीट्यूट वगैरह खोलने में दिक्कत होती है या फिर उनको कोई भी इंस्टीट्यूट वगैरह चलाने में इश्यूज हो रहा है तो उस कंडीशन में वो हेल्प वो यहाँ से ले सकते हैं। इसके साथ ही इसका मेन काम और देख लेते हैं कि जो माइनॉरिटी एजुकेशन है उसमें ये एडवाइस वगैरह प्रोवाइड करती है स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट को, उनकी रिकमेंडेशन है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास भेजती है। इसके साथ ही जो माइनॉरिटीज इंस्टीट्यूट है उनकी तरफ से एक तरीके से मतलब लीड रोल भी है करती है, और जो आर्टिकल 30 है उसको बाध्य करने पर हेल्प वगैरह भी करती है, या जो माइनॉरिटीज हैं उनके इश्यूज वगैरह को एड्रेस वगैरह करती है। तो इसके बेसिक काम है। और इसके साथ जैसे माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट है उसको किसी भी कॉलेज वगैरह से या कोई भी यूनिवर्सिटी वगैरह से मान्यता वगैरह लेनी है, तो उस कंडीशन में सारा अप्रूवल वगैरह का काम है वो नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूट के द्वारा ही किया जाता है। तो ये इसके बारे में कुछ कंटेक्स्ट था, बॉडी काफी इंपॉर्टेंट है तो इसके बारे में ध्यान रखना है हमें। तो ये थी हमारी डिस्कशन, एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हमने डेथ पेनल्टी एंड पोस्ट कोविड के बारे में डिस्कस किया, इसके साथ ही हमने हेपेटाइटिस बी वायरस डिस्कस किया, उसके साथ हमने आई स्टेम के बारे में डिस्कस किया जो कि एक मेनली पोर्टल है IAS के द्वारा बनाया गया है। इसके साथ हमने ई विधान प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कस किया जो कि एक मिशन मोड प्रोजेक्ट है, और सबसे पहले इसको हिमाचल प्रदेश ने 2014 में इंप्लीमेंट है वो किया था। इसके साथ हमने स्टेट ऑफ ग्लोबल एयर रिपोर्ट स्टेट ऑफ ग्लोबल एयर रिपोर्ट के बारे में डिस्कस किया जो कि हेल्थ इफेक्ट इंस्टीट्यूट के द्वारा जारी है वो की जाती है। इसमें कुछ डाटा वगैरह थे जो हमने एक दो पॉइंट्स में फॉर्म में देखी। इसके साथ ही हमने लास्ट में देखा NCMEI नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूट के बारे में। तो ये थी हमारी डिस्कशन, अब एक बार हम देख लेते हैं कुछ क्वेश्चंस की तरफ। सबसे पहला क्वेश्चन है वो है ओलिव रेडली टर्टल के बारे में। तो पहला स्टेटमेंट ये है कि ओलिव रेडली टर्टल है वो साइट्स के अपेंडिक्स वन में CITIES के बारे में, साइट्स की अपेंडिक्स वन है उसमें शामिल है। दूसरा स्टेटमेंट ये है कि ओलिव रेडली टर्टल है वो इंडिया के तमिलनाडु वाले कोस्टल एरिया में ही पाए जाते हैं, यह दूसरा स्टेटमेंट। तो आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है कौन सा गलत है। देखो ओलिव रेडली टर्टल है वो वल्नरेबल लिस्ट में शामिल है, एक तो ये चीज़ हमें पता है। इसके साथ ही साइट्स की जो अपेंडिक्स वन है इसमें शामिल है, पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। अब देखते हैं सेकंड स्टेटमेंट था कि तमिलनाडु के कोस्ट पे पाए जाते हैं, तो ये बिल्कुल गलत है। ये तमिलनाडु के कोस्ट पे नहीं पाए जाते हैं, मेनली यह पाए जाते हैं उड़ीसा और कुछ आंध्र प्रदेश के कोस्टल एरिया में, तो तमिलनाडु यहाँ पे ऑप्शन है वो गलत हो जाते हैं। तो ऐसे में किसके बारे में थोड़ा ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है SCO के बारे में, संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। तो पहला ऑप्शन ये है कि यह एक केवल पॉलिटिकल ग्रुप है, दूसरा स्टेटमेंट यह है कि इसे 2017 में बनाया गया था, यह दूसरा स्टेटमेंट। तो आपको बताना कि कौन सा सही है और कौन सा गलत है। देखो दोनों के दोनों स्टेटमेंट हैं वो एक गलत हैं। संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन है वो एक्चुअली 2001 में बनाया गया था, तो एक तो यह पहला ध्यान रखना है। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट इसका यह है
संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन ना, इसमें 2017 में एक्चुअली इंडिया और पाकिस्तान है वो दोनों मेंबर बने थे इसके, ना कि 2017 में बनाया था। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है कि इंडिया और पाकिस्तान दोनों इसके मेंबर बन चुके हैं 2017 में। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे हो जाता है। इसके साथ ही अगला जो पॉइंट था वो कि ओनली पॉलिटिकल ग्रुप, तो यह गलत इसलिए हो जाता है क्योंकि देखो नॉर्मली जो ग्रुप होते हैं ना वो पॉलिटिकल ही होते हैं किसी पर्टिकुलर के लिए, वो इकोनॉमिकली ट्रेड काफी सारी चीज़ों से कनेक्ट होते हैं। किसी बहुत ही कम ऐसे ग्रुप होते हैं जिनका केवल पर्टिकुलरली फिक्स मोटो होता है, तो इसलिए हम कॉमन सेंस के द्वारा भी ऑप्शंस को एलिमिनेट वगैरह यहाँ पे कर सकते हैं। तो संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन है वो ट्रेड के लिए काम करता है, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, रिसर्च, टेक्नोलॉजी, एनर्जी, एजुकेशन, टूरिज्म, मतलब काफी सारे सेक्टर्स में काम करता है कल्चर लेबर रिलेशन को इम्प्रूव करने में। तो ये चीज़ हमें थोड़ी यहाँ पे ध्यान रखनी है। अब नेक्स्ट जो एक क्वेश्चन है वो आया है 2008 TC3 के बारे में। 2008 TC3 है क्या है? पहला ऑप्शन ये है कि है एक एयरक्राफ्ट है, दूसरा स्टेटमेंट है कि है नासा का एक मिशन है, और तीसरा स्टेटमेंट है कि है एक एस्टोरॉयड है, और चौथा स्टेटमेंट है नन ऑफ दीज। तो देखो इसमें एक्चुअली जो ऑप्शन है वो यहाँ पे होगा वो होगा तीसरा ऑप्शन, एस्टोरॉयड आई है, और अभी ये रिसेंटली न्यूज में इसलिए था क्योंकि इसके बारे में स्टडी वगैरह वो की गई थी, तो इसलिए न्यूज में था। तो हमें ध्यान रखना है कि 2008 TC3 था वो किस रिलेटेड है, कोई मिशन वगैरह नहीं है, ये एक एस्टोरॉयड है। अब चलते हैं हम आगे। आगे देखो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट इसी से है, वो आपको बता दूं कि 2008 TC3 जो है ना जो एस्टोरॉयड इसके बारे में, यह एक्चुअली एक डेजर्ट है, नूबियन डेजर्ट जो कि सूडान में है वहाँ पे गिरा था, तो इसलिए न्यूज लोकेशन भी इंपॉर्टेंट हमारे लिए हो जाती है। तो देखो नूबियन डेजर्ट की लोकेशन एक बार देख लेते हैं कि कहाँ कहाँ पे है। ये आपके सामने मैप, और यहाँ पे आप देख सकते हो ये तो हो गई यहाँ पे रेड सी, और रेड सी के बाद में यहाँ पे इधर हो गया इजिप्ट, और ये नीचे हो गया यहाँ पे सूडान। तो सूडान में इधर ही है यहाँ पे नूबिया, और यहाँ पे नूबिया डेजर्ट, तो इसकी लोकेशन है मेनली। यहाँ पे एक साइड होगा नील रिवर और एक साइड होगा रेड सी, तो ध्यान रखना कि रेड सी और नील रिवर के बीच में नूबियन डेजर्ट है जहाँ पे 2008 TC3 सैटेलाइट सॉरी जो एस्टोरॉयड है वो गिरा था। चलो आप यहाँ पे ये बताइए कि ये जो रेड सी के नीचे यहाँ पे जो गल्फ है वो कौन सी, इसका क्या नाम है? रेड सी के यहाँ पे जस्ट पास साउथ में गल्फ है उसका नाम क्या है, और यहाँ पे एक स्टेट भी है वो आपको बतानी है, इस वाले एरिया में एक स्टेट भी है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है एक्चुअली ये वाला एरिया। और सिनाई जो पेनिनसुला है वो आपको बताना है कि एशिया का पार्ट है या फिर यहाँ पे अफ्रीका का पार्ट है। देखो ये जो क्वेश्चन से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी मेला इनके बारे में पूछ सकती है, इसलिए हम इनको यहाँ पे डिस्कस है वो कर रहे हैं। तो आगे देखते हैं और क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन है वो एक्चुअली यहाँ पे आया है वह है जियामिन डिक्लेरेशन के बारे में। तो आपको बताना है कि जियामिन डिक्लेरेशन है क्या, वह ब्रिक्स से रिलेटेड है या फिर आसियान से रिलेटेड है या फिर शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन रिलेटेड है या फिर सार्क से रिलेटेड है। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा सही है, मतलब जियामिन डिक्लेरेशन किससे रिलेटेड है, ब्रिक्स या फिर आसियान या फिर शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन या फिर सार्क। तो जियामिन डिक्लेरेशन है वो एक्चुअली ब्रिक्स से रिलेटेड है, और इसमें यह प्रावधान किया गया था कि भाई इनमें बातचीत की जा रही थी कि जो ब्रिक्स है ना इसको ब्रिक्स प्लस किया जाए, ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना और इसमें साउथ अफ्रीका, इसके साथ में प्लस करने का मतलब यह था कि इसमें और कंट्री भी ऐड की जाएँ, जिसमें चाइना का कहना था कि भाई पाकिस्तान को या फिर और भी जो कंट्रीज हैं उनको यहाँ पे शामिल किया जाए, मैंने साउथ से जो सदर्न MSP की जो कंट्रीज हैं उनको। तो इंडिया ने इस चीज़ का विरोध किया था कि भाई नहीं, हम चाइना, मतलब एक तरीके से इनडायरेक्टली विरोध किया, चाइना पाकिस्तान का नाम तो नहीं लेके भाई हम पाकिस्तान को नहीं यहाँ पे ऐड करना चाहते, बट इसका सपोर्ट वो नहीं किया था। तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है कि जियामिन डिक्लेरेशन किससे रिलेटेड है, तो ब्रिक्स से रिलेटेड है, ये चीज़ हमें यहाँ पे थोड़ी ध्यान है और रखनी है। तो ये थी हमारी डिस्कशन, फिलहाल की डिस्कशन में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।